दोबारा इनका मुंह बंद करना पड़ेगा गेम में टपा टप देखे ब्रो देखो रिकॉर्ड्स कैसे बनते पता है क्या जो मावी ने बनाया हैश टैग टू इंटरनेशनल में उसको रिकॉर्ड बोलते हैं उसको ब्रेक करने के लिए हैश टैग टू आना पड़ेगा या हैश टैग बनाना पड़ेगा बेस्ट कैसे बनते पता है तुमको कंसिस्टेंसी थे कि कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हो तुम एज ए टीम एज ए इंडिविजुअल जोनर्थन क्यों बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया है क्यों तीन साल से तीन साल से नॉन स्टॉप टॉफ रहेगा और लॉकडाउन के बच्चे लोग जो लॉकडाउन में गेम खेलना सीखे बीजेम आए जो पबजी के टाइम पे पबजी को फॉलो नहीं करने के वो जोनाथन को बोलते हैं अनऑफिशियल एम बी पी -एम्पियल, पी एम पी एल पी एम पी एल जिससे हम लोग पी एम डब्ल्यू आई क्वालिफाई होते हैं पी एम पी एल में हैश टैग टू टॉफ रहेगा पी लीग में हैश टैग वन टॉफ रैगर लीग का हैश टैग वन टॉफ रैगर ऑफिशियल टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो भी ठीक है साउथ एशियन टूर्नामेंट है वो बच्चे लोग जो गेम अभी फॉलो कर रहे हो ना सुनो पी एम पी एल लीग का हैश टैग वन टॉप रैगर पी एम पी एल फाइनल्स का लीग के बाद फाइनल्स होता है बच्चे लोग जिनको नॉलेज नहीं है पी एम पी एल फाइनल्स का हैश टैग टू टॉफ रैगर पी एम आई एस जो हम लोग जीते थे उसका हैश टैग वन टॉप रैगर हाइस्ट डैमेज पी एम डब्ल्यू एल का हैश टैग टू टॉफ रैगर ओवरऑल और फाइनल्स में भी टॉफ रैगर्स में आया था उसके पी एम डब्ल्यू एल के जो मलेशिया में जो खेला था उसमें भी टॉफ रैगर्स में था हैश टैग फाइव तो क्या अनऑफिशियल टूर्नामेंट से क्या फिर तो लोग जो इसके बाद आते हैं वो बोलते हैं अनऑफिशियल

फिर उसके बाद बच्चे लोग आगे बोलते हैं ऑफिशियल डोनल्ड भाई वही तो है बेस्ट बेस्ट इन इंडिया कोई आसपास भी नहीं है उसके बेस्ट इन इंडिया कोई आसपास भी नहीं है उसके स्टिल वो बंदा क्रिटिसाइज होता है क्रिटिसाइज होता है तो हम तो क्या ही है पर सबको डीप डाउन सबको हर एक बंदे को डीप डाउन बताए कि वो बेस्ट है और बाय फार बहुत मार्जिन से वो आगे बाकी लोगों से तो भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर उसको हेट दे सकते हैं तो फिर तो ये सब एंडलेस टॉपिक्स है हर हर टाइम न्यू रिकॉर्ड्स बनेंगे न्यू रिकॉर्ड्स टूटेंगे वैसे ही होता है गेम कोई भी गेम क्रिकेट फुटबॉल बीजेम आई रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए बट शायद से कुछ रिकॉर्ड्स बनते हैं जो कभी टूट ही नहीं सकते